दादी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, मॉर्निंग हो चुकी है और मेरी जो है किचन के काम के साथ साथ ब्लॉगिंग भी शुरू कर दी है मैंने। तो यहाँ बना रही हूँ मैं चने दाल और मूंगफली की चटनी, और क्योंकि अभी मैं बनाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट में डोसा। और यहाँ जो बन रही है सिर्फ अभी सौरभ के लिए बन रही है फ्रेंड, क्योंकि सौरभ को जाना है स्कूल, तो उसके टिफ़िन में भी चाहिए डोसा और खा के भी जाएगा। और यहाँ फ्रेंड तड़का कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था, तो है ना, जैसे ही मैंने कड़ी पत्ता डाला उसमें बहुत तेज आग मतलब फेंक दिया। आप लोगों ने देखा ही फ्रेंड्स, तो कभी कभी हो जाता है और मुझे लगता है ये सबके साथ होता है। तो हम लेडीज़ को तो है ना ये सब की आदत है, क्योंकि हम लोग ये सब मैनेज करना जानते हैं और हम लोगों को पता है अगर थोड़ा भी तेल गर्म होगा तो उसमें कुछ भी मतलब पानी वाला चीज़ डालेंगे तो वो आग फेंकेगा ही। क्योंकि मैंने कड़ी पत्ता जो है थोड़ा सा धुलाई किया था, क्योंकि अभी डस्ट वाला मौसम है फ्रेंड, तो बहुत ज़्यादा डस्ट पेड़ में सारी जगह चिपके होते हैं, तो थोड़ा सा धुला था मैंने। और यहाँ देखिए ड्रम स्टिक, यानी कि हम लोग तो इसको सहजन भी बोलते हैं और गांव के लैंग्वेज में झुट्टी बोलते हैं फ्रेंड्स, तो वो भी पेड़ से आया है तो खिड़की पर रख दिया है, तो मैं उसको भी काट के मतलब लंच के समय मैं उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। उधर सौरभ रेडी हो रहा है तो मैं इधर जल्दी जल्दी बना रही हूँ फ्रेंड। और पता होता है क्या फ्रेंड, गर्मियों के दिन में तो फिर भी हाथ पैर थोड़ा सा ना चलते हैं, मतलब ये होता है ना कि गर्मी होती है तो चालू रहता है। जब सुबह उठते हैं तो मॉर्निंग का जो फ्रेश हवा जो है जब बॉडी में लगता है ना, तो मतलब हाथ पैर अचानक ऑटोमेटिक काम करता है। लेकिन यही काम सर्दियों में हम लोग कितने सिकुड़ के करते हैं, मतलब मॉर्निंग का काम जो होता है बिल्कुल भी करने का दिल नहीं करता है, लेकिन करना तो है ही फ्रेंड्स। मगर हाँ ये है कि गर्मियों की जो है ना मॉर्निंग होती है बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा लगता है सुबह जगना। और जो भी है डेली रूटीन, जो भी मॉर्निंग का काम जो है बहुत अच्छे से होता है। और यहाँ फ्रेंड मैंने ना सौरभ को ब्रेकफास्ट दे दिया है और टिफ़िन में मैंने पैक कर दिया है, और सौरभ जो है रेडी हो रहा है, मतलब रेडी हो ही गया है, तो उसको मैं बोल रही हूँ जल्दी से तुम खा लो, क्योंकि है ना उसके जो है फ्रेंड है ना अभी यहाँ से इसी रास्ते से निकलते हैं तो वो लोग इसको बुलाने आ जाते हैं। और यहाँ देखिए खाने बैठ गया है सौरभ और खा के वो निकलेगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड पहले खिड़कियाँ सारे खोल दो। सुबह ना सौरभ नहाता है, स्कूल जाता है, तो वो है ना खिड़कियाँ नहीं खोलने देता है, पता नहीं क्यों, उसे लगता नहीं अभी हवा आ रही है, मतलब तो गर्मी पड़ने लग गई। तो अभी मैंने जस्ट देखिए खिड़की इधर का खोला है और मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ फ्रेंड्स, तो सबके जाने के बाद ही मैं चाय पीती हूँ आराम से। तो यहाँ देखिए मेरी चाय भी उबल रही है, और जब तक मेरी चाय उबल रही है तो मैं जा रही हूँ, सॉरी फ्रेंड्स, तो जब तक मेरी चाय उबल रही है तो मैं जाती हूँ फूल तोड़ लेती हूँ पूजा के लिए। और यहाँ आने से एक आराम हो गया फ्रेंड्स मुझे ना, पूजा के लिए फूल जो है रोज मैं तोड़ लेती हूँ, और वहाँ से क्या होता था ना रोज मुझे आलस आता था तोड़ने में, उतना दूर से मतलब उतना तो नहीं, दो तीन मिनट की दूरी है, फिर भी एक होता है ना कि घर से निकल के आना तो इसलिए ना आलस होता था तो मैं नहीं आती थी। और मतलब कुछ विशेष पूजा रहता था तब तो मैं मंगवा लेती थी या फिर आके तोड़ लेती थी, लेकिन ऐसे डेली का पूजा में मैं फूल नहीं, मतलब यहाँ इतना फूल होते हुए भी मैं बिना फूल का ही पूजा करती थी, लेकिन यहाँ एक आराम हो गया कि मुझे ना पूजा के लिए फूल मिल जाता है। और अभी जैसे कि नवरात्र चल रहा है, माता रानी का दिन है, तो फूल मिल जाता है तो और भी खुशी होती है। मतलब पूजा में होता है ना, जब पूजा करते हैं, वैसे तो पूजा कहते हैं आप, मतलब कुछ नहीं भी है आपके पास तो सिर्फ हाथ जोड़कर सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं तो आपके जो है भगवान सुनते हैं। लेकिन हाँ अगर सब कुछ मतलब हर जैसे होता है ना फूल फल और जो भी धूप जल सब कुछ के साथ पूजा करते हैं तो उसके ना एक अलग खुशी होती है, तो संतुष्टि होती है कि हाँ मैंने पूजा अच्छे से किया। तो बस यही है फ्रेंड्स, वहाँ मैं करती थी तो रोज़ फूल नहीं ला पाती थी, लेकिन यहाँ फूल मिल जाता है, तो चलिए पहले फूल तोड़ लेते हैं। ये देखिए कल के ना पूजा के फूल है, तो इसको मैं किसी पेड़ पौधे के ना जड़ में डाल दूंगी और पॉलिथीन में फिर दूसरा तोड़ लूंगी मैं। तो इसे चलिए देखिए मोटर ये आवाजें दे रहा है, पानी भर गया है।
तो फ्रेंड मैं आ गई हूँ अब बाहर, और मैं देखिए वो जो कल के जो फूल है ना पूजा वाले, उसको मैं है ना जो पौधे होते हैं उसके जड़ में डाल देती हूँ, तो क्या होता है ये गल के ना मिट्टी में मिल जाता है, तो पैर भी नहीं लगता और किसी गंदी जगह में भी नहीं फेंकना पड़ता। और पहले तो है ना विसर्जन का मतलब सभी लोग करते थे, जाके गंगा में बहाते थे, जबकि हमारे यहाँ तो पास ही है गंगा, ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन मैं कुछ भी अब गंगा में कभी नहीं बहाती हूँ, क्योंकि गंगा को जो है गंदा करना अच्छी बात नहीं फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए हमारे तो मोदी जी ने इतना अच्छा स्वच्छ अभियान चलाया है, गंगा से लेकर रोड सब कुछ स्वच्छ हो गया, तो उसको है ना हमारा भी फर्ज बनता है कि इस जो है स्वच्छता अभियान में हम लोग भी कुछ सहयोग करें, क्योंकि हम लोग ही गंदा करते हैं फ्रेंड्स। और अगर हम लोग कचरा या फिर जो भी फूल पत्ती जो भी होता है गंगा में नहीं बहाएंगे तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा, क्योंकि वो गंगा का पानी इतना पवित्र होता है, उसको हम लोग घर में लाते हैं और उससे ही सब कुछ मतलब शुद्ध करते हैं, पूजा करते हैं, और उसको हम लोग गंदा करेंगे तो वो बहुत ही गलत बात है फ्रेंड्स। और यहाँ देखिए बाहर फ्रेंड मैंने यहाँ पर जो है म्यूट नहीं किया है ओरिजिनल साउंड, तो आप लोगों को ना चिड़िया की चहचहाट भी सुनाई दे रहा होगा, तो मॉर्निंग का में ना अभी कोयल का कुहू कुहू और चिड़िया का चहचहाट बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। तो यहाँ देखिए मैं पूजा के लिए फूल तोड़ ली हूँ, मैंने अपना जो है इस गार्डन का टूर तो आप लोगों को पहले भी दिया है, तो मेरे जो गार्डन में है बहुत सारे मतलब अड़हुल के जो है ये है फ्रेंड वैरायटी है, बहुत सारे कलर हैं। और यहाँ देखिए मैंने तोड़ लिया, तो मेरे पूजा के लिए इतने फूल काफ़ी हैं, वैसे तो बहुत सारे पेड़ में लगे हुए हैं, लेकिन इतना सूरज देवता कितनी तेज 8 बजने वाले हैं फ्रेंड्स और बहुत तेज हो गई है, तो चलिए चलते हैं अंदर, पहले पीती हूँ चाय उसके बाद कुछ करूंगी काम। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स मेरे शाम की जो ना चाय हो गई थी, तो अभी मैं बैठ गई हूँ हल्का फुल्का नाश्ता करने, भूख लग गई है, और आज दिन भर बिजी रही, कोई आ गई थी तो दिन भर बिजी रही, थोड़ा कौन आई थी तो सॉरी फ्रेंड मैं नाम नहीं बता रही हूँ कौन आई थी, तो जो भी आई थी मेरी बहुत क्लोज है मेरे से, और मेरा आज जो है जो मॉर्निंग का रूटीन के बाद मैं आप लोगों के साथ इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि मैं बिजी रह गई दोपहर में, उसके बाद मैं अभी डायरेक्ट आप लोगों से इवनिंग में मिल रही हूँ। तो अभी मैंने एक सूजी का चीला बनाया है, मैं चाय के साथ खा रही हूँ, और वीडियो को यहीं पर अब करूँगी मैं एंड। वीडियो को आप प्लीज़ फ्रेंड्स प्यार दें, सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर।